दुष्कर्म की घटना में आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की सजा सुनाई है। युवती का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी गोवर्धन लाल पिता शंकरलाल निवासी झालावाड़ राजस्थान को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने आरोपी को 3 धाराओं में अलग अलग सजा सुनाते हुए 8,000 रुपए का अर्थदंड भी किया। उक्त घटना रागवी थाना क्षेत्र की है। 28 अगस्त 2022 को घर के बाहर से आरोपी युवती का अपहरण कर ले गया था, वह बलात्कार किया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई की थी। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक तहसील अजय वर्मा ने की थी। तहसील महितपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी गोवर्धन लाल पिता शंकर लाल निवासी झालावाड़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n) में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 5/6 में 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28/8/2020 को थाना रागवी पर पीड़िता के पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवत कराई थी कि जब वह अपने घर से टीवी सुधराने के लिए घर गया था, घर पर उसकी माँ तथा उसकी लड़की थी। जब वह वापस आया तो देखा उसकी लड़की नहीं थी। उसने उसकी माँ से पूछा लड़की कहाँ गई है, तो लड़की का बताया कि वह गाय बांधने के लिए गई है। पिता के द्वारा आसपास तलाश की गई लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चला। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। पंजीबद्ध अपराध के दौरान आरोपी से पीड़िता को दस्तियाब किया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी के द्वारा उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।